अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ साइड रीजन इन स्क्वायर सेंटीमीटर इफ द रेडियस शोन इन फिगर 3। ऐसे फिगर दिया हुआ, ऐसे थ्री एंड टू। अब क्या है देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ शैडो रीजन, शैडो रीजन कहां पे है, शैडो रीजन यही है, फाइंड एरिया ऑफ शैडो रीजन इन स्क्वायर सेंटीमीटर इफ रेडियस शोन इन फिगर गिवन इज 3 एंड 2। अब क्या देखिए यहां क्या होता है, दो रेडियस दो सर्किल हैं भाई, एक होता है अगर मान दोनों की बात करें ऐसे कर देंगे, ये आर वन मान लीजिए, आर वन क्या है आर टू है, तो भाई एरिया ऑफ एरिया ऑफ शैडेड रीजन, हम बता दें फॉर्मूला आपको, शैडेड रीजन इज इक्वल टू टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ अनशैडेड पोर्शन। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, हम ये मनमाना फॉर्मूला है, इसलिए लिखा है तो इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है। तो क्या है, एरिया ऑफ शैडेड रीजन का अगर निकालना है बार बार हमें, तो क्या करेंगे, टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ अनशैडेड पोर्शन, ठीक है, टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ अनशैडेड पोर्शन। अब क्या है, टोटल एरिया कैसे निकालेंगे भाई, देखा जाए ज्यादातर लोग सिक्योरिटी और साला जाते हैं, इसी के लिए जाते हैं लोग, कमी नहीं, एक से एक है सब, जहाँ 7 लिखे उसके ज्यादा ऊपर मत जाए तब ठीक रहेगा, हाँ ना उससे ऊपर नहीं आएगा, चलिए ठीक ऑन है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन, रीजन का ये पोर्शन का ये उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत कोई होना, किसी को मिलने जरूरत नहीं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू टोटल एरिया माइनस एरिया अनशेडेड पोर्शन। अब कई लोग को लग रहा होगा ये इसका एरिया निकले कैसे, तो बताते हैं तरीका, देखिए यहां से ये है 2, तो भाई किसी भी सर्कल का रेडियस दो बार दो होता नहीं, अलग अलग होता नहीं है, ये 2 है तो ये भी क्या होगा 2 होगा, और ये है 3 तो ये भी क्या होगा 3 ही होगा, तो 3 3 6 और 4 10, यानी कि ये सर्किल कितने रेडियस, डायमीटर क्या है, सर्किल डायमीटर कितना है 10, डायमीटर क्या हो गया 10, तो रेडियस क्या हो जाएगा 5। कोई कंफ्यूजन किसी को, तो क्या रेडियस 5 हो गया, बस अब काम खत्म। तो क्या होगा टोटल एरिया क्या होगा 5 r² अब देखिए क्या है मामला, यहां पे r1 r2 हो चुका है, यहां r3 कर दीजिए, तो कंफ्यूज होंगे बच्चे कौन सा वैल्यू करें कौन सा ना करें, π r3² माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड, अनशेडेड कहां पे है भाई, जहां शेडी नहीं है ये और ये, तो दो सर्किल है भाई इसीलिए r1 r2 किए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो रहा है, बस π r1² प्लस π r2² बस यही करना है, ये बड़े वाला सर्किल एरिया है, ये बड़े वाले टोटल एरिया पूरे सर्किल के रेडियस निकलेगा π r3² और अनशेडेड का π r1² प्लस π r2² दोनों को जोड़ देंगे पूरे सर्किल को एरिया से घटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ शेडेड पोर्शन ही बचेगा, वही यहां निकालना है बस। अब पाई यहां आर थ्री वैल्यू कितनी है 5 दिख रही है, तो अब 5 दिख रही है तो हम क्या करेंगे 3.14 रखेंगे भाई अपने हिसाब से, और यहां पाई आर क्या है 5 का स्क्वायर
माइनस यहां करेंगे पाई आर ओ, देखिए पाई यहां पाई यहां पाई कौन करेंगे हम, ठीक है आर वन स्क्वायर, आर वन को लिखती है थ्री, तो रखिए थ्री स्क्वायर प्लस आर टू को लिखते हैं टू, टू का स्क्वायर, ठीक है बस। अब क्या हुआ फाइव का स्क्वायर क्या हुआ 3.14 इंटू 25 माइनस पाई है, तो क्या थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 25 फोर जाए 100 जीरो 10, 25 वन जाए 25 10 35 फाइव 35 फाइव फाइव थ्री 25 थ्री जाए 75 और 378 78.50 ठीक है माइनस क्या पाइप वैल्यू यहां यहां भी हम 3.14 रखेंगे तो वैल्यू फट से आ जाएगी इंटू 9 उपलब्ध क्या 13 ठीक है, तो 17 78.50 माइनस तो 13 फोर जाए 32 कैरी 5 13 वन जाए 13 और 5 18 कैरी 1 13 थ्री जाए 39 और कैरी 1 40.82। अब देखिए 70.50 14.82 क्या करेंगे भाई सबट्रैक्ट करेंगे, अब यहां जिसको ना सबट्रैक्ट करने आता हो थोड़ा देख ले चाहे तो यहाँ पे कैसे तरीका होता है, अगर ऐसे कभी रिलैक्सेशन दिखाई दे तो बहुत सारे लोग सबट्रैक्शन में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। 40.82 देखने वाली चीज क्या है डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना होता है, जहां यहां डेसिमल है यहां भी डेसिमल ऐसे रखिए, उससे कोई मतलब नहीं कि इसके आगे दो तीन नंबर है चार नंबर से कोई भी मतलब नहीं है, हमको डेसिमल के नीचे ही डेसिमल रखना है ठीक है। उसके बाद क्या करना हम क्या सबट्रैक्ट करना है निकालिए 10 से 2 गया 8 4 आया 14 से 8 गया 6 7 0 7 7 से 4 3 37.68 आंसर क्या है 37.68 ये क्या आया ये क्या है ये एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ठीक है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जितने जिसमें भी है मीटर में है तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है यहां सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर बस आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे सेवन हो गया अब एट के बारे में बात करेंगे एट भी कह दिया फाइंड एरिया ऑफ सेंटर फिर से वही क्वेश्चन है ठीक है बस फिगर थोड़ा सा डिफरेंट है फिगर में कुछ खास तो नहीं है बस डिफरेंट फिगर है बस और कुछ नहीं ऐसे करिए ऐसे है ठीक है फिगर थोड़ा सा गंदा बनाएंगे उसे कोई मतलब नहीं आप बुक में देखी ढाली बुक में देखिए आप इसमें बुक में दिया क्या है ये दिया है 14 सेंटीमीटर ये 14 है ए ये बी ये सी ये है डी ए बी सी डी ये है पी। अब क्या करना है देखिए 14 हम भाई ऊपर लिखा हुआ है तो भाई नीचे 14 ही होगा कुछ डिफरेंट नहीं हो जाएगा। अब ध्यान क्या लगाना है इसमें ध्यान देना है क्या अब देखिए ये 14 ये रेडियस ये जो यहां से यहां तक का पॉइंट होगा वही होता है रेडियस ठीक है। अब यहां से यहां तक अगर हम टेढ़ा बने चाहे सीधा बने उसको कोई फर्क नहीं है वो दोनों सेम ही है ठीक है ये भी क्या होगा 14 ही होगा 14 नहीं होगा ये पूरा 14 है ये 2r है तो 2r की वैल्यू यहां पे क्या है 14 है r की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 ठीक है r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे पसीना लग गया है बुलाते हैं यहां पे ये 7 होगा और ये 7 होगा ठीक है 14 क्यों क्योंकि किसी भी सर्कल का क्या होगा रेडियस फिक्स होता है तो यहां जो रेडियस निकलेगा वही रेडियस यहां पर होगी टेढ़ा बन गया कोई बात नहीं आप बुक में देखिए बुक में बिल्कुल सेम है ठीक है तो ये 7 होगा ये भी 7 क्यों क्योंकि पूरा 14 है तो 14 दो भागों में बांटेंगे तो 2r इक्वल टू 14 है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 7 r की वैल्यू 7 ठीक है बस। अब क्या हुआ r की वैल्यू वहां 7 पुट कर दिए अब क्या पूछा है फिर से पूछा है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन एरिया फिर से फॉर्मूला वही लगाएंगे भाई एरिया ऑफ शेडेड रीजन
इज इक्वल टू टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड इज इक्वल टू टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ शेडेड अनशेडेड पोर्शन। अब क्या टोटल एरिया क्या होगा, देखिए यहां पे टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया के बारे में बात करेंगे। अब देखिए टोटल एरिया निकालें कैसे, अब ये अगर 14 है तो ये भी 14 ही होगा, क्यों, क्योंकि ये डायमीटर है, 2r क्या होता है डायमीटर होता है, तो ये 14 तो ये भी 14 ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया, 14 का स्क्वायर हो गया, क्या करेंगे 14 का स्क्वायर कर देंगे माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या है भाई, दोनों का आर सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, तो क्या करेंगे 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इस क्या होगा सर्कल का क्या होगा एरिया है, लेकिन इस सभी एरिया पता है तो क्या इसका सभी एरिया भी वही होगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर 2, लेकिन अपॉन 2 भी करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल नहीं है भाई, किसी भी स्क्वायर का सभी का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन सेमी सर्कल होगा तो बाई 2 कर देंगे, तो बाई 2 करना पड़ेगा यहां पर पाई आर स्क्वायर बाई 2, और इंटू 2 हम इसलिए किए हैं क्योंकि एक ही सर्कल दो बार है, एक ही सर्कल दो बार इसमें मल्टीप्लाई 2 196 होता है माइनस 2 से यहां 2 कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, पाया सो कर दिए 2 इंटू अपॉन 7 इंटू क्या 7 इंटू 7। ठीक है, बस क्या हो गया 196 माइनस 77 कट गया 154 क्या हो गया 64 बाय 2 954। ये क्या है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर है, मीटर स्क्वायर जो भी है, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया एरिया शेडेड रीजन। ठीक है, इसमें कोई कमी है नहीं, आसान है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। काउ स्टेथर्ड इन द मिडिल ऑफ द सर्कुलर फील्ड विथ अ 14 फीट रोप लॉन्ग रोप। अब क्या कर रहा, देखिए सर्कुलर फील्ड है, एक सर्कुलर फील्ड है, हम थोड़ा सा बताते हैं हिंदी में एकदम बच्चे बढ़िया जान लीजिए आप लोग, ये सर्कुलर फील्ड है, 14 फीट की लंबी रस्सी है भाई, अगर यहां पे खूंटा है यहां पे तो 14 फीट की लंबी रस्सी यहां तक हो सकती है, यहां तक हो सकती है, बाहर जा सकती है भाई, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। 14 फीट की रस्सी में यहां गैया एक गाय, ठीक है एक गाय है, काउ सिंग दो टो काउ है, एक गाय है जो क्या वो बंधी हुई है। इफ काउ ग्रेज 100 स्क्वायर फीट पर डे, मतलब एक दिन में वन डे में क्या कर रही है 100 स्क्वायर फीट क्या कर रही है 100 स्क्वायर फीट, ग्रेज मतलब क्या है घास चर जा रही है, मतलब क्या भाई ऐसे कुछ कर रही होगी कुछ, वही कहां चलेगी, चलेगी वही जहां वो जा पाएगी, मतलब क्या अगर हम बात करें ऐसे बात करें ऐसे भाई जहां तक उसका पगहा मतलब क्या रस्सी जहां तक जा पाएगी वहां तक वो चलेगी, तो हम ये सभी अगर मिटा दें तो कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर ये सर्कल हम मिटा दें तो गलत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमको उसी सर्कल से मतलब है जितने फीट में गाय बंधी हुई है, हमको उसी उतने ही रेडियस से मतलब है। अब देखिए होता क्या है, यहां पे 100 स्क्वायर फुट एक दिन में वो खा जा रही है, क्या बोला हाउ मच अप्रोक्सीमेटली, अब की बोल रहा है कि टोटल मतलब क्या ये पूरा घास, ये पूरा घास होगा यहां पे, अब 100 स्क्वायर फीट एक दिन वो खा रही है तो पूरा घास खाने में वो कितना समय लगाएगी, तो पहले ये पता करेंगे कितने एरिया में घास है तब ना हमें पता करेंगे खाएगी कितना, तो
तो पहले क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, इसका टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ ग्रास, पहले घास का पूरा एरिया पता करिए कहां कहां घास है, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर निकल होता है, पाई आर स्क्वायर आदमी कितनी 14 है ठीक है, 22/7 × 14 × 14 7 × 14 तो क्या होगा 22 × 14 × 2 क्या होगा 14 × 28 होता है, 28 मल्टीप्लाई कहां करेंगे, ऐसे भी कर सकते भाई तो किसी कंफ्यूजन हो आ जाए ठीक है, तो क्या होगा 616 ये क्या है, ये क्या है भाई मीटर स्क्वायर में होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा भाई, जो दिया है स्क्वायर फुट है, स्क्वायर फुट, इतना टोटल एरिया किसका है, घास के मैदान, जो घास मैदान है उसका एरिया इतना है। अब क्या है नंबर ऑफ डेज, अगर नंबर ऑफ डेज के बारे में बात करें क्या है टोटल एरिया अपॉन टोटल एरिया अपॉन क्या, टोटल एरिया अपॉन पर यूनिट पर डे ग्रेज एरिया, टोटल एरिया क्या है 616 अपॉन 100 6.16 ठीक है 6.16 डेज